नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुजिया और बहुत ही डिजाइनदार बनाएंगे और इसे हम बिना सांचे के ही बनाएंगे। इसमें स्टफिंग लेंगे हम गाजर की, देखने में खूबसूरत लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी डाला है कढ़ाई में। देसी घी हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे इलायची। 2 से 3 इलायची को हमने यहाँ पे इस तरह से खोल के लिया है और इसे डाल देते हैं। इलायची भी हल्की सी गर्म हो जाएगी तब हम इसमें गाजर डालेंगे। 8 ग्राम गाजर को हमने धुलकर कद्दूकस कर लिया था और सारी कद्दूकस की हुई गाजर हम एक साथ डाल देते हैं। इस तरह से हम डाल देंगे। आप इस गुजिया में किसी और की भी स्टफिंग को भर सकते हैं, जैसे सूजी की, लेकिन हमने यहाँ पे बिल्कुल नए तरीके से बनाया है तो इसमें हमने गाजर की स्टफिंग दी है। जैसे गाजर का हलवा होता है ठीक, हम उसे इसी तरह पका लेंगे। इसमें चीनी डाल देंगे 200 ग्राम के करीब और 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि गाजर और चीनी अच्छे से मिल जाए। इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और ढककर पका लेंगे। इसमें हम डाल देंगे दूध। तो हमने जो घर पे दूध आता है वही वाला दूध उपयोग किया है। अगर दूध नहीं है तो आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, दूध और चीनी, सारी चीजें अच्छे से मिल जाएं। मिलाने के बाद हम इसे कवर करके पका लेंगे ताकि गाजर हल्की सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के लिए हमने इसे कवर कर दिया है मीडियम आंच में। 5 मिनट बाद हम इसे चला लेंगे, देखेंगे गाजर और दूध अलग हो गया है। तो इस तरह से चलाते हुए इसे हम अच्छे से पका लेंगे। जब तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे कि गाजर का हलवा अच्छे से सूखा ना दिखने लगे। स्टफिंग हमें गीली बिल्कुल नहीं बनाना है, अच्छे से भुनी हुई बनाना है। और देखें 5 से 7 मिनट लग गया है फुल आंच में, हमने इसे जल्दी से पकाया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे कटे हुए और इसे फिर से अच्छे से भून लेंगे और बहुत ही सूखी बढ़िया स्टफिंग दिखने लगी है हमारी। स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। इसे निकाल कर ठंडा करेंगे। यहाँ पे हमने 2 कप मैदा ली है और इसमें हमने रिफाइंड डाला है 50 ग्राम के करीब। इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसे पानी की सहायता से गूंथेंगे। तो इसको पहले हम 2 भागों में बांट लेंगे क्योंकि इसे हम 2 कलर का बनाएंगे। अब पहले सबसे पहले हम पानी से गूंथकर इसे व्हाइट वाला तैयार कर लेंगे और इसका हम टाइट डो लगाएंगे ताकि हम इसे पतला बेल पाएं और अच्छे से मसल कर हम डो को इस तरह से लगा लेंगे। और बहुत ही बढ़िया डो हमारा लगकर तैयार हो गया है। और अब दूसरा डो लगा लेंगे। तो इसे हम बिना कलर के ही बनाएंगे। तो इसमें 1/2 छोटे चम्मच हल्दी डाल देंगे और इस तरह से मिला लेंगे। अगर आप हल्दी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे बिना कलर के भी बना सकते हैं पूरा वाइट। इसे भी हम अच्छे से गूंथ लेंगे, इसका बहुत ही बढ़िया कलर आएगा हल्दी की वजह से। इसका भी हम टाइट डो लगाएंगे, बहुत सॉफ्ट नहीं लगाएंगे। दोनों डो हमने लगा लिए हैं और इन्हें अब हम साइड रख लेते हैं। दोनों डो लगकर तैयार हो गए हैं। अब हम हाथों से एक बार इसको मसल लेंगे और एक साइज की हम इसकी लोइयां बना लेंगे। लोइयां अपने हिसाब से छोटी बड़ी आप बना सकते हैं, जितनी बड़ी छोटी गुजिया आपको बनानी है। इस तरह से हमने लोइयां तोड़ ली हैं। अब हम इन्हें बेल लेंगे। तो सबसे पहले सूखा मैदा ले लेंगे और सफ़ेद बाली को हम बेल लेंगे और जितना हो सके हम पतला बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे। और इस तरह से हमने पूड़ी के साइज का इसे बेल लिया है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। और दूसरी भी इसी साइज की बेलेंगे।
दोनों हमें बराबर साइज की चाहिए हैं। पीली वाली हल्की सी बड़ी रहे पर छोटी नहीं रहे, इस तरह से हम इसे भी बेल कर तैयार कर लेंगे। और दोनों हमने देखे एक साइज की बेल लिया है, हमें देखने में खूबसूरत दिख रही है। अब व्हाइट वाले में हमें चाकू की सहायता से कट लगाना है, तो कट को हमें बीचम बीच लगाना है, नीचे का साइड और ऊपर का साइड छोड़कर, और इस तरह से हम इसमें कट लगा देंगे। और पीली वाली में अब हम स्टफिंग रखेंगे, तो एक चम्मच अच्छे से भरकर स्टफिंग रखेंगे क्योंकि गुजिया हम बड़े साइज की बना रहे हैं। अब हम किनारों पर इसके पानी लगाएंगे, पानी लगाना बहुत जरूरी है ताकि अच्छे से चिपक जाए, खुले नहीं, और इस तरह से हम इसे चिपका देंगे और जिसमें हमने कट लगाए हैं ठीक उसी के ऊपर रख देंगे बीचम बीच। और बस इसे अब हमें पलटना है पानी लगाकर, और इस तरह से हम इसे पलट देंगे और हाथों से किनारों पर दबा देंगे अच्छे से। इस तरह से हम इसे अच्छे से हाथों से दबा देंगे। अब मैं इसमें हाथों से अच्छे से डिजाइन दे देती हूँ। अगर आपको हाथों से डिजाइन देके नहीं बनता है तो आप कांटे वाले चम्मच से इसे प्रेस करके दबाकर डिजाइन दे सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे हाथ से इस तरह से डिजाइन दी है, बहुत ही इजी बन जाती है। आप इसे ट्राई करेंगे तो बना लेंगे, इससे इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा, देखने में खूबसूरत दिखेगी। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, बिल्कुल अलग तरीके की बनके ये तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी भी बनाएंगे और बीचम बीच इसके कट लगा देंगे और स्टफिंग को हम भर देंगे बीचम बीच। और इसे भी कवर कर देंगे। अब इसको भी इस तरह से हाथों से प्रेस कर देंगे और इसमें डिजाइन डाल देंगे और सारी गुजिया बस हमें इसी तरह से बनाकर तैयार करनी है। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। अब हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, आंच को हम बिल्कुल धीमा रखेंगे। तेल गरम करने के बाद धीमी आंच में हम इन्हें सेकेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए, और जितनी अच्छी ये सिक जाएंगी खाने में उतनी ही टेस्टी लगेंगी। सेकते समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया सिककर ये तैयार होंगी। और इसी तरह से हम पलट पलट कर इन्हें सेकेंगे और देखिए बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आ गया है। अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा डार्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इन्हें हमने निकाल लिया है एक प्लेट में, और बाकी की गुजिया भी अब हमें इसी तरह से तल लेना है। जितनी कढ़ाई में है उतनी डालते जाइए और इन्हें तल दीजिए। तो बस दोनों तरफ से इन्हें जरूर पलट देना है ताकि अच्छे से ये दोनों तरफ से सिक जाए और निकालते जाइए। गुजिया हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही बढ़िया दिख रही है, एकदम खस्ता बढ़िया बनी है, इस तरह से क्रंची है। इसे तोड़ कर देखें, स्टफिंग भी बहुत ही